चलन में लाने के तरीके, यानी कि संविधान की पॉपुलैरिटी कैसे हो, संविधान को चलायमान कैसे किया जाए। यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता आंदोलन में जो लक्ष्य तय हुआ उसे जोड़ा गया। जैसे हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम देखते हैं, और पहले स्वतंत्रता संग्राम के कारण ही उसमें बहुत सारे लोगों की आहुति लगी, बहुत प्रयास हमने किए, बहुत बड़ा आंदोलन ये था, लेकिन असफलता के कारण अपनी जगह रहे। हम यहाँ इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि किसी भी संविधान की पॉपुलैरिटी किस आधार पर होती है, किसी भी संविधान को वैलिड बनाने के लिए, वैधता प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती हैं, किसी भी संविधान में पॉपुलैरिटी या वो चलेगा या नहीं चलेगा ये किन बातों पर आधारित होता है, किसी भी संविधान को प्रचलन में लाने के लिए कौन सी बातें आवश्यक होना जरूरी है, इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे ये। तो भारत का संविधान जो था उसका जो मोटिव था, लक्ष्य था, वो था जनकल्याण, क्योंकि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सारे लक्ष्य रखे थे। स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो हमारे जनकल्याण का लक्ष्य था, स्वतंत्रता का लक्ष्य था, मौलिक अधिकारों का लक्ष्य था, समानता का लक्ष्य था, जाति भेदभाव सती प्रथा सब आंदोलन हम देख चुके थे। तो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के जो लक्ष्य थे वो किस में अपना लिए गए, हमारे संविधान में अपना लिए गए। इसका कारण क्या हुआ, इसका कारण ये हुआ कि आम जनता इन चीजों से पहले ही जानकार थी, आम जनता इन चीजों को मानती थी या जागृत थी या इनका समर्थन करती थी, इसीलिए जैसे ही इन चीजों को हमने संविधान में जगह दी वो इसका समर्थन करने लग गई। पहला कारण आपको समझ में आना चाहिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो लक्ष्य थे, स्वतंत्रता आंदोलन के जो टारगेट्स थे, स्वतंत्रता आंदोलन में जो समस्याएं फेस की थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश ने एक समान रूप से भागीदारी निभाई, बड़े लीडरों के नेतृत्व में दी, हजारों लाखों लोगों ने आहुतियां दी, इसके बावजूद हमें बहुत लंबे समय बाद हमें आज़ादी मिली। तो स्वतंत्रता संग्राम में जो घटनाक्रम हुए उससे हम भलीभांति परिचित थे, अंग्रेजों के शोषण से हम भलीभांति परिचित थे, इसीलिए जो हमारा संविधान बना, जो हमारा कानून बना उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी ये हमें पहले से ही पता थी, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन की जो रूपरेखा बन रही थी, स्वतंत्रता आंदोलन के जो लक्ष्य तय हो रहे थे कि हमारा जब देश आज़ाद होगा तो हमें कौन कौन सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा या कौन सी समस्याएँ हमारे समाज में हैं, इस कमियों को दूर करने का उदाहरण हमें पहले से ही पता था। तो जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हमारा संविधान हमने बनाया, उन आंदोलनों के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली थी, उन आंदोलनों से जो लक्ष्य प्राप्त करने की बात हमने रखी थी वो हमने संविधान में जोड़ दी। इसका फायदा ये हुआ कि आम जनता भी वैसा ही चाहती थी, क्योंकि आम जनता आंदोलन से जुड़ी हुई थी, आम जनता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी, आम जनता इन समस्याओं को देख रही थी, और जैसे ही समस्याओं का समाधान हमने संविधान में रखा, संविधान की पॉपुलैरिटी अपने आप ही बनती चली गई। इसमें दूसरा बिंदु देखें तो बहुत सारे संविधान थोप दिए जाते हैं, यानी कि जबरदस्ती लाद दिए जाते हैं। क्यों लाद दिए जाते हैं कि बहुत सारी जगह हमने देखा कि संविधान बनाने के लिए केवल कुछ ही लोगों को लाया जाता है, और वो लोग विद्वान, चाहे कितने भी विद्वान क्यों ना हो, कितने भी समर्थवान क्यों ना हो, कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी कानून के ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन जिस समाज में समाज की पॉपुलैरिटी का ध्यान ही रखा जाएगा, समाज की आवश्यकताओं का ध्यान ही रखा जाएगा, समाज क्या चाहता है, किस प्रकार का समाज है, समाज के रूल रेगुलेशन कैसे हैं, समाज के रीति रिवाज कैसे हैं, समाज की परंपराएं कैसी हैं, समाज की संस्कृति कैसी है, इन सब का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, और उस कॉम्बिनेशन को संविधान में यदि नहीं जोड़ा गया तो संविधान चलेगा नहीं। जैसे नेपाल का संविधान 5 बार 2000 तक की 1990 तक ही बन चुका था, फिर 2002, फिर 2005, फिर 2009, तो ये घटनाक्रम चलता ही रहा, और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के मूल संविधान में आम जनता की राय नहीं रखी गई। जब तक आम जनता की राय नहीं रखी जाएगी, जबरदस्ती शासन लादे जाएंगे,
तब ऐसा ही होता रहेगा, विरोध होता ही रहता है। जैसे किसी देश पर अतिक्रमण कर लिया जाए, जैसे तिब्बत है, हम बात करें तिब्बत की, तो तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है, पहले ये भारत के अधीन था। 1950 पे इसने, चीन ने इस पर क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया। उस समय हमने कुछ नहीं कहा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस अतिक्रमण को स्वीकार कर लिया और ये क्षेत्र किसको दे दिया, तिब्बत स्वायत्त चीन को दे दिया, यानी कि इंडिविजुअल ये चीन का क्षेत्र ही है। लेकिन आज भी वहां विरोध हो रहा है। इसका मूल कारण क्या है कि चीन की जो सत्ता है वो दमनकारी सत्ता है और वहां के जो लोग हैं, तिब्बत के जो लोग हैं, वे ये मानते ही नहीं है कि हम चीन का हिस्सा हैं। वो ये कहते हैं या तो हम भारत में जाएंगे या कैसे रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। तो इन पर संविधान क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, जबरन लादा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमेशा विरोध होते ही रहेंगे। जैसे और उदाहरण देखे जाए तो पीओके, बलूचिस्तान, ये विरोध के और दमन के सबसे बड़े उदाहरण हैं। विरोध में अगर देखें तो ये ऐसे स्थान हैं जहां पर बहुत जबरदस्ती प्रशासन को लादा जा रहा है, संविधान ऐसे थोपे जा रहे हैं जिनकी समर्थन करते ही नहीं, क्योंकि इनकी कल्चर अलग है, इनकी व्यवस्थाएं अलग हैं और ये उस सिस्टम में जाना ही नहीं चाहते। तो जबरदस्ती संविधान यदि थोपा जाएगा तो उसे लागू नहीं करवाया जा सकता, यहाँ विरोध होने ही होने हैं। तो भारत का संविधान थोपा नहीं गया है, इसीलिए भी क्या है, पॉपुलर है, प्रचलन में लाया जा सकता है आराम से। फिर हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध या लोकप्रिय नेताओं ने यह संविधान बनाया, हमारे यहाँ किसने बनाया, प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेताओं ने क्या बनाया, संविधान बनाया। इसमें यदि हम आगे देखें तो किसी भी संविधान को बना कौन रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे समाज में एक लाइन में 10 घर हैं, उसमें 5 लोगों के बीच में झगड़ा है और 5 लोग बिल्कुल शांत हैं। 5 लोगों के झगड़े को सुलझाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो 5 उसकी बात मानते हों। यदि ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जिसकी केवल 2 ही बातें मानते हैं तो वो समाधान नहीं हो सकता। हमेशा ऐसे नेताओं की लोकप्रियता ज्यादा रहती है या ऐसे नेता यदि कोई कार्य करते हैं तो उसका विरोध नहीं होता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस भी उनका उतना ही सम्मान करती थी जितना बीजेपी करती थी। तो ठीक हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे, स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता थे, बड़े लीडर थे, इनकी पॉपुलैरिटी पूरे देश में इतनी ज्यादा थी कि इनका विरोध कहीं था ही नहीं। इसीलिए जब इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया, ढांचा बनाया, संविधान के नियमों को बनाया, तो इन नेताओं की लोकप्रियता के कारण, इनके त्याग के कारण, और जनता को ये पता था कि ये जो करेंगे वो सही करेंगे, देश हित में करेंगे, इसीलिए इनकी लोकप्रियता के कारण संविधान भी लोकप्रिय हो गया और इनका विरोध हुआ ही नहीं। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इन नेताओं को देश ने देखा था, आम जनता ने देखा था, और इनकी प्रसिद्धि के कारण जो भारत का संविधान है वो बहुत ही जबरदस्त आगे प्रचलित हुआ। और किसी भी संविधान को प्रचलन में लाने के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसे बना कौन रहा है और वो संस्था किस प्रकार की है, क्या संस्था तानाशाही तो नहीं है, क्या संस्था पे प्रेशर तो नहीं है, क्या संस्था किसी प्रकार के दबाव में तो नहीं आएगी, ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखने आगे योग्य हैं। आगे इसमें देखें तो किसी भी संविधान को प्रचलन में लाने का सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है वो होता है स्वार्थ, कि निजी स्वार्थ तो नहीं है। अगली हम बात करें तरीका, तो निजी स्वार्थ से ये दूर थे, निजी स्वार्थ नहीं था। इसको हम ऐसे समझते हैं, यदि उस जमाने के देशों को देखें जब भारत आजाद हुआ, इससे पहले भी हम देख चुके हैं, सबसे पहले श्रीलंका आजाद हुआ, सॉरी सबसे पहले भारत आजाद हुआ 1947 में, फिर श्रीलंका 48 में, और फिर चीन 49 में।
ये घटनाक्रम था। तो इस समय बहुत सारे और भी छोटे छोटे देश आजाद हुए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ए नाम का कोई देश है, इसको बहुत ध्यान से समझना, यहां से ये निजी स्वार्थ समझ में आ जाएगा। ए नाम का देश है, इस पर किसी ने राज किया, जैसे ब्रिटेन जो हम पर भी राज करता था, ब्रिटेन ने राज किया। और ये ब्रिटेन 1947 में या 48 में, फॉर एग्जांपल 50 में इसको छोड़ के जा रहा है, इसने अपना शासन क्या कर दिया यहाँ पर, समाप्त। तो ये यहाँ से निकल रहा है बाहर, जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पर किसी का भी शासन नहीं रहेगा इस देश पर। अब यहाँ पर जब किसी का शासन बचा ही नहीं तो क्या क्या ऑप्शन बच सकते हैं? पहला, यहाँ पर क्रांति हो सकती है, यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, तानाशाही हो सकता है, अफगानिस्तान की तरह आतंकवादी हमले हो सकते हैं, आतंकवाद का शासन हो सकता है, या फिर और भी ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरी महाशक्ति इसको क्या बना सकती है, उपनिवेश बना सकती है। ये अभी उपनिवेश से तो हटा है, दूसरी शक्ति भी तो आके आक्रमण कर सकती है इसके ऊपर। तो ये सारी संभावनाएं वहां पर थी। क्या क्या संभावना थी? ए नाम का देश है, गुलाम है, लेकिन इसे आजादी मिल रही है। तो आजादी मिलते समय क्या क्या हुआ, ये तो यहां से छोड़ के चले गए। अब ऐसे में क्या होगा, दूसरा देश आक्रमण कर सकता है, हिंसा फैल सकती है, क्रांति हो सकती है, अराजकता हो सकती है, कत्लेआम हो सकता है, या यूं कहें कि कोई ऐसा अराजकतावादी आ जाए, हिंसावादी आ जाए, जैसे किम जोंग जैसा शासक है जो अपने आप में बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल लोगों का समूह हो, तो दमनकारी शासन भी आ सकता है, साम्राज्यवाद भी आ सकता है, बहुत सारी कुरीतियां यहाँ पर आ सकती है। ऐसे में इन देशों ने आनन फानन में, क्या बनाया, संविधान बनाया। सवाल आता है, कुछ खाड़ी देशों ने या यूरोपीय देशों ने आनन फानन में संविधान क्यों बनाया? आनन फानन में संविधान बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य यही था कि देश की संप्रभुता बनी रहे, देश की आजादी बनी रहे। यदि देश पुनः गुलाम हो गया तो फिर ये देश किसी लायक बचेंगे ही नहीं। इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, आनन फानन में संविधान बनाया, जिसके कारण शक्ति का केंद्रीकरण हो गया। जब जल्दीबाजी में कोई काम किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स कैसे होते हैं, गलत ही निकलते हैं। यहाँ पर जो संविधान बनाने वाले थे उन्होंने शक्ति अपने हाथ में रख ली, और जो शक्ति अपने हाथ में रख ली तो फिर इन्होंने इसका दुरुपयोग भी किया। सैनिक शासन आ गया, राष्ट्रपति शासन आ गया, शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, शक्ति किसी को दी नहीं, दमनकारी शासन आ गए, तो कहीं ना कहीं ऐसी भी चीजें आ जाती हैं। लेकिन भारत में देखें तो भारत में निजी स्वार्थ कहीं था ही नहीं। जितने भी नेता थे वो जन कल्याण की भावना रखते थे, त्याग की भावना रखते थे, समाज का हित करना चाहते थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी। सरदार जी हैं अपने, भगत सिंह जी हैं, बहुत सारे देश, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत ऐसे योद्धा थे, भारत माँ के सपूत थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। बहुत सालों का तो इतिहास ही हम नहीं पढ़ पाते हैं, साउथ इंडिया का इतिहास हमने आज तक नहीं पढ़ा, महाराष्ट्र से आगे के इतिहास में हमें लेख नजर आता है, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक कामदार इतिहास का है कि उन इतिहासकारों को भाषा के कारण या हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण हमें जोड़ा ही नहीं गया। हम लास्ट से लास्ट मराठा महाराष्ट्र की बातें पढ़ते हैं, नीचे गोवा है, गोवा के बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में भी बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन हुए। हाँ, ये भी है कि ये क्षेत्र इतने प्रभाव में भी नहीं रहे, ये भी एक कारण रहा, लेकिन यहाँ के बहुत सारे जो वीर भारत माता के जो सपूत थे उनको भी हमारे इतिहास में दर्शन नहीं मिलता। राजस्थान में बहुत सारे योद्धा हुए, वीर योद्धा हुए, जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास हम जानते हैं? नहीं। तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ है कि हमारा इतिहास भी पूरा नहीं है। तो हमारे जो नेता थे, संविधान को बनाने वाले थे, उनका निजी स्वार्थ था ही नहीं, इसीलिए जो संविधान को प्रचलन में लाने का जो तरीका है ये सबसे अच्छा है कि जो बनाने वाले हों वो निजी स्वार्थी ना हो, वो अपने हित की बात ना करें, समाज के हित की बात भी करें। इसके बाद अगला बिंदु है वैधानिकता। इसमें अगला बिंदु है वैधानिकता। इसको हम वैलिड भी कहते हैं,
हिंदी में कहें तो वैधानिकता, अंग्रेजी में कहें तो वैलिड। किसी भी चीज की वैलिड क्या है, यू कहें देसी भाषा में वैधता क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, हम कितना मानेंगे उस चीज को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में क्लास में जब टीचर आता है तो सब बच्चे उसे जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि टीचर नियमित रूप से आ रहा है तो बच्चे उससे परिचित भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे सिस्टम बन जाता है। हाँ, हो सकता है कोई नया टीचर फर्स्ट डे आए तो बच्चों को इंट्रोडक्ट कराना पड़ता है कि ये फला फला व्यक्ति है, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे और आज से ये नियमित रूप से आपको पढ़ाएंगे। तो हो सकता है फर्स्ट डे ऐसा अननोन पर्सन जैसा भी है वो, लेकिन नेक्स्ट डे बच्चे अपने रूटीन में आएंगे, जब क्लास टीचर अंदर आएंगे उनका रेस्पेक्ट होगा, बातचीत होगी, उसके बाद टॉपिक पे चर्चा होगी, सवाल जवाब होंगे, और वो एक निश्चित समय के लिए 30-35-40 मिनट का जो कालांश होगा उसके दौरान वो पढ़ाएंगे और उसके बाद वो क्लास को छोड़ देंगे। तो एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसे ही वैधानिक का एक सिस्टम बना हुआ है कि स्कूल में उस टीचर की जगह कोई अननोन पर्सन आ जाए और वो पढ़ाने की बजाय कुछ और बातें करें, समाज की बात करें, तो ना तो बच्चा उसका रेस्पेक्ट करेगा और ना ही बच्चा उनकी बातें मानेगा। स्कूल में रूल रेगुलेशन डेवलप करने का काम संस्था का होता है, मैनेजमेंट कमेटी का और प्रिंसिपल सर का होता है। यदि प्रिंसिपल सर और मैनेजमेंट कमेटी के अलावा कोई तीसरा पर्सन यदि नियम बनाए, कोई बाहर का नियम बनाए, समाज के व्यक्ति नियम बनाए, तो स्कूल उसे कभी नहीं मानेगा। स्कूल भी मान लेगा तो बच्चे उसे कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि बच्चों पर नियम बनाने का अधिकार केवल मैनेजमेंट कमेटी को और विद्यालय प्रबंधन जिसे हम हिंदी में कहते हैं उन्हीं को दिया गया है। तो वैधानिकता भी देखें तो संविधान बना कौन रहा है और बनाने वाले के पास कितनी वैधता थी, बनाने वाले के पास कितनी वैधता थी। तो भारत का संविधान बनाया किसने, संविधान सभा ने, और एक ये वेद संस्था थी। इसको लीगल तरीके से, सही तरीके से संविधान सभा में जो लोग आए थे, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि कहां कहां से कौन थे, क्या था, सब कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो संविधान सभा एक वेद संस्था थी और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग बाग चुनकर इसमें शामिल हुए थे, इसीलिए संविधान सभा एक वेद संस्था होने के कारण भी संविधान को प्रचलन में लाना बहुत आसान हुआ। किसी भी संविधान की पॉपुलरिटी, किसी भी संविधान का हिस्सा कितना पॉपुलर होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बनाने वाले कौन हैं, उसको बनाने में कितना समय लगा और बनाने का तरीका क्या था। फिर अगला बिंदु इसमें आता है पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। संविधान को प्रचलन में लाने का सबसे बड़ा तरीका यह भी है कि संविधान में यदि एक ही पक्ष को देखा गया है तो संविधान पॉपुलर नहीं होगा, संविधान हो जाएगा समाप्त, क्योंकि दूसरा पक्ष क्या करेगा, आंदोलन करेगा, दूसरा पक्ष क्या करेगा, विरोध करेगा, और विरोध भी इतना भयंकर होगा कि संविधान में परिवर्तन या संविधान को फिर समाप्ति करना पड़ता है। तो भारत के संविधान में प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा हुई है, बहस हुई है, और हर बिंदु पर बहुत डिटेल से चर्चा होने के बाद संविधान में जोड़ा गया है। इससे ये प्रमाणित होता है कि भारत का संविधान सारपूर्ण है, सारगर्भितापूर्ण है, महत्वपूर्ण है, और हर पक्ष के हर पहलू को जाना गया है। क्योंकि एक व्यक्ति एक तरीके से सोच सकता है, लेकिन क्लास में 40 लोग हैं तो 40 प्रकार से वो सोच सकते हैं, और संविधान सभा में अंतिम दिन तक 284 लोगों ने साइन किए थे। तो इतने लोगों ने अलग अलग जो प्रारूप बनाए, अलग अलग लोगों ने डिस्कस किया, पक्ष विपक्ष भी हुआ, और ये पक्ष विपक्ष निजी तौर पर द्वेषता के कारण नहीं हुआ था, ये देश के हित के लिए हुआ था कि देश के लिए इतनी बातें सोच कर आने वाले भविष्य में कैसा होगा, क्या इसे नकार तो नहीं दिया जाएगा, कौन कौन से इश्यूज उठ सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज नहीं उठ सकते, इन सब बातों पर पक्ष और विपक्ष ने खुलकर चर्चा की थी। इसमें आगे की बात करें तो लोकप्रियता, यह भी संविधान को प्रचलन में लाने का एक प्रमुख कारण है। दुनिया के लोकप्रिय संविधानों की बात करें तो इसमें प्रमुख है भारत, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका आदि,
ऐसा नहीं है कि केवल तीन ही देशों के संविधान पॉपुलर है, बहुत सारे देशों के संविधान पॉपुलर है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी में यही आता है। भारत का संविधान दुनिया के बहुत पॉपुलर संविधानों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आंदोलन पूरे देश ने किया और पूरे देश के करने के कारण इसमें जो भावना है जुड़ी, वो पूरे देश की भावना जुड़ी हुई है, आम जनता इससे जुड़ी हुई है। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका जहां पर लीडर थे नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ये भी लीडर बने और इनके जीवन की बहुत, स्वतंत्रता की कहानी भी इनकी पुस्तक है, बहुत लंबी यात्रा इनकी रही, जो दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी बने। अमेरिका है, जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी हम सुनते हैं। तो ये लोकप्रिय आंदोलन रहे और लोकप्रियता के कारण संविधान प्रचलन में आता है। आज भी हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान कहीं भी बज रहा होता है तो हम सम्मान में उसके खड़े हो जाते हैं। तिरंगे का अपमान देश में कोई नहीं करता, पॉपुलरिटी है देश के जवान आम नागरिक के दिलों में बहुत जगह उसके लिए है। भारत के संविधान के प्रति हमारी श्रद्धा आज भी है। ये लोकप्रियता किस लिए है? क्योंकि हमें जो संविधान मिला है बहुत मेहनत करने से मिला है और आम जनता की राय इसमें समाहित है, आम जनता का समर्थन इसको मिला हुआ है, इसी कारण हमारा संविधान प्रचलन में लाया जा सकता है। हमने यह पढ़ा कि दुनिया का कोई भी संविधान प्रचलन में कैसे लाया जा सकता है और भारत का संविधान उसकी उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भारत के संविधान में ऐसा ऐसा इसलिए किया गया, इसीलिए भारत का संविधान प्रचलन में है। और दुनिया का कोई भी संविधान प्रचलन में लाने में कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं और कौन कौन सा समर्थन हो सकता है।